बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे और उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था और उनके पिता मुगल बादशाह अकबर शाह थे। बहादुर शाह जफर अपने पिता के पसंदीदा पुत्र नहीं थे और उनके पिता ने उनका मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी बनाए जाने का विरोध किया था। उनके पिता बादशाह अकबर अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज बेगम की सारी बात मानते थे और मुमताज बेगम अपने बेटे मिर्जा जहांगीर को मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन मिर्जा जहांगीर की लाल किले में स्थित ब्रिटिश गवर्नर के साथ लड़ाई हो गई, जिसके बाद मिर्जा जहांगीर ने गवर्नर पे हमला कर दिया। उसकी इस हरकत ने ब्रिटिश गवर्नर को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से बादशाह ने मिर्जा जहांगीर को दिल्ली से निकाल दिया। इस घटना ने बहादुर शाह जफर की बादशाहत का मार्ग साफ कर दिया। यह समय मुगल सल्तनत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुगल बादशाह का राज्य केवल लाल किले तक सीमित रह गया था। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार और उसकी सेना एक प्रमुख राजनीतिक ताकत थी। ब्रिटिश सरकार बादशाह को पेंशन देती थी, जो बादशाह की इनकम का एकमात्र सोर्स था। ब्रिटिश सरकार ने सिक्के जारी करने का अधिकार भी मुगलों से ले लिया और भारत में मुगल शासन केवल नाम का ही रह गया। सितंबर 1837 में उनके पिता की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर बादशाह बने। बहादुर शाह जफर की राजपाट चलाने में कुछ खास रुचि नहीं थी। उनकी एकमात्र रुचि कविता या शायरी लिखने में थी। उनके दरबार में उस समय मिर्जा गालिब जैसे महान उर्दू के शायर भरे हुए थे। उन्होंने 1840 में जीनत महल से शादी की, जिन्होंने उनके सबसे पसंदीदा बेटे मीर जवान बख्त को जन्म दिया। बादशाह ने अपनी सारी शक्ति अपनी पसंदीदा पत्नी को सौंप दी और जीनत महल दिल्ली की वास्तविक शासक बन गई। मुगल राजवंश ने पिछले 100 साल में सत्ता खो दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम उस समय पूरे उत्तर भारत में काफी रसूख रखता था। काफी सारे नवाब और निजाम अभी भी अपने शासन की वैधता मुगल फरमान से ही प्रूव करते थे। उनके शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ, जहां ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर मार्च किया। 11 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली पहुंचने लगे। महल में बादशाह के कमरे की खिड़की के नीचे से उन्होंने बादशाह को विद्रोहियों का नेतृत्व करने का आग्रह किया। बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोही सिपाहियों से सामान्य याचिकाकर्ता के रूप में मिले और उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, लेकिन महल के अन्य लोग जल्द ही विद्रोह में शामिल हो गए। पूरे दिन विद्रोही दिल्ली आते रहे और विद्रोह फैलता गया। विद्रोही सैनिकों और दिल्ली की जनता ने ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार वालों को मारना शुरू कर दिया। अगले दिन बहादुर शाह जफर ने कई वर्षों के बाद अपना पहला औपचारिक दरबार लगाया। इसमें कई उत्साहित विद्रोही सिपाहियों ने भी भाग लिया। बादशाह दिल्ली में मचे मारकाट से डर गए थे और वो विद्रोहियों का साथ देने और उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। सिपाहियों और उनके दरबारियों ने बादशाह की इच्छा के खिलाफ बादशाह से शाही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें लिखा था कि मुगल बादशाह के नेतृत्व में विद्रोही दोबारा भारत में मुगल सल्तनत को स्थापित करेंगे। दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर की नई सेना का प्रशासन बहुत ही अव्यवस्थित था, लेकिन ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए यह पर्याप्त था। बादशाह ने अपने सबसे बड़े बेटे मिर्जा मुगल को अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाया, लेकिन मिर्जा मुगल के पास सैन्य अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से विद्रोही सैनिक उसका बहुत ही कम सम्मान करते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। विद्रोही सैनिकों का असली नेतृत्व बख्त खान कर रहा था। ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ तेजी से अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की। विद्रोही सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन एक बड़ी ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1857 के अंत तक दिल्ली पे फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह और उनके तीन बेटों ने दिल्ली से 10 किलोमीटर दक्षिण में हुमायूं के मकबरे में शरण ली।
बादशाह विद्रोही सेना के कमांडर बख्त खान का साथ देने और अधिक सेना को जुटाने की सोच रहे थे, लेकिन दरबारियों ने वृद्ध बादशाह को इस बात के लिए मना लिया कि अंग्रेज केवल विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं और बादशाह को बख्श दिया जाएगा। 20 सितंबर को ब्रिटिश घुड़सवार सैनिकों के कमांडर विलियम हडसन हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गए और उन्होंने बादशाह को क्षमादान देने का वादा कर उन्हें हिरासत में ले लिया। अगले दिन हडसन ने बहादुर शाह के 3 बेटों को भी बंदी बना लिया, लेकिन उन्हें क्षमादान की कोई गारंटी नहीं दी थी। राजकुमारों की गिरफ्तारी देखकर भीड़ इकट्ठी होने लगी, इस बहाने कि भीड़ उन्हें रिहा करवाने वाली है। हडसन ने खूनी दरवाजे पर 3 राजकुमारों को मार डाला। इसके बाद बहादुर शाह जफर की बादशाहत छीन ली गई और उन्हें कई महीनों तक कैद में रखा। 27 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर के खिलाफ एक मुकदमा शुरू किया। मुकदमे में ब्रिटिश वकील ने बहादुर शाह जफर को पूर्व बादशाह के रूप में संबोधित किया। यह मुकदमा लाल किले में उनके निवास स्थान पर हुआ, जहां उन्हें कैदी बनाया गया था, और यह मुकदमा 21 दिन तक चला। उन्हें विद्रोहियों का समर्थन करने, हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत स्थापित करने, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और दिल्ली में ईसाइयों की हत्या में सहायक होने का आरोप लगाया गया। मुकदमे की शुरुआत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इन आरोप के दोषी हैं, तो बहादुर शाह जफर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि उन पे गलत आरोप लगाए गए हैं और वो इन आरोप के दोषी नहीं हैं। जब ब्रिटिश वकील ने बहादुर शाह जफर के हस्ताक्षर किए हुए घोषणा पत्र और आदेशों को दिखाया, तो बहादुर शाह जफर ने इन आदेशों से बिल्कुल अनजान होने का दावा किया और विद्रोही सेना के कमांडर इन चीफ बख्त खान को इन सब का दोषी ठहराया, जिसके सामने बादशाह बिल्कुल बेबस था। मुकदमे में बहादुर शाह जफर ने कहा कि उनकी स्थिति तो ऐसी थी कि विद्रोही सैनिक ना तो उनको सलाम करते थे, ना ही किसी प्रकार का सम्मान देते थे, और बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि विद्रोही सैनिक बिना जूते उतारे दीवाने खास में आ जाते थे। बहादुर शाह जफर ने यह भी कहा कि वो कैसे ऐसे सैनिकों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने अपने ब्रिटिश कमांडरों को मार डाला था। लेकिन बादशाह के विश्वास पात्र और निजी चिकित्सक हकीम एहसानुल्लाह खान ने बादशाह को धोखा दिया और उनके खिलाफ गवाही दे दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हकीम एहसानुल्लाह खान को गवाही देने के बदले क्षमादान देने का वादा किया था। 9 मार्च 1858 को ब्रिटिश अदालत ने बहादुर शाह जफर को सभी आरोपों का दोषी पाया, लेकिन ब्रिटिश जज ने वादे के मुताबिक बहादुर शाह जफर को मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ बर्मा में निर्वासित करने का फैसला सुनाया। उनकी पत्नी जीनत महल और परिवार में बचे हुए सदस्यों ने भी बर्मा जाने का फैसला किया। 7 अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे अपनी पत्नियों और 2 बचे हुए बच्चों के साथ बहादुर शाह जफर ने लेफ्टिनेंट ओमनी के कमान में 9th लैंसर्स के साथ बैलगाड़ी में बैठकर बर्मा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन अपने अंतिम दिनों में भी बहादुर शाह जफर ने कविताएं लिखना नहीं छोड़ा। बर्मा में लिखी गई एक गजल में उन्होंने अपने अकेलेपन और पीड़ा के बारे में लिखा है। 7 नवंबर 1862 में 87 वर्ष की आयु में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। बहादुर शाह जफर को बर्मा के शहर यागौन में दफनाया गया। 1986 में बहादुर शाह जफर नामक एक टेलीविजन सीरीज दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी और अशोक कुमार ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।